सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। साढ़े छः बजे हम आरती पूजा करके मंदिर से हम ताला बंद करके अपने रूम में गए। जब एक बजे हमारी नींद खुली, हम देखे तो हमारे दरवाजे का बल्ब वल्ब सारा बंद था। जब मैं बाहर निकली देखी तो ताला जंजीर लगी हुई थी हमारे दरवाजे में। चार बजे लोग नहा करके भगत लोग आए, जब मैं उन लोगों को बुलाए तो हमारा जंजीर खोले। जब मंदिर में आई देखी तो यहाँ ताला टूटा हुआ मिला और मंदिर में हमारी छह मूर्ति अष्टधातु की गायब हो। क्षेत्र के भोपाली गांव में जो गंगा नदी के किनारे है एक राम जानकी मंदिर है जिसपे साध्वी बंदेवी नाम की एक महिला पुजारी के रूप में रहती हैं। इनके द्वारा सुबह अवगत कराया गया कि इनके मंदिर से कुल छह मूर्तियां, जिसमें तीन बड़ी मूर्तियां थी, तीन छोटी छोटी मूर्तियां लगभग छः इंच की और तीन मूर्तियां नौ इंच के आसपास की थी, रात में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई हैं। सूचना पर मौके पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एक मूर्ति वहाँ पर बची हुई है और बताया ये गया है कि जो बची हुई मूर्ति है इसी तरह की अन्य मूर्तियाँ थी, लेकिन बची हुई मूर्ति पीतल की है और अन्य मूर्तियों के बारे में इनका कहना है कि संभवतः अष्टधातु की थी। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करके छानबीन और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर साथ अब जो मूर्ति बची है उनका ये कहना है, ये भी कहना है कि जो बची हुई मूर्ति है इसी तरह की वो मूर्तियाँ थी। अगर बची हुई मूर्तियों की श्रेणी की ही मूर्तियाँ होंगी तो पीतल की रही होंगी और अगर अष्टधातु की रही होंगी तो निश्चित तौर पर कीमती हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिर में अबंडन तरीके से रखी गई थी उसको कहीं से कनेक्ट नहीं किया गया था और उसके आधार पर लगता नहीं है। गाँव वालों का भी ये कहना है कि मूर्तियाँ जो है पीतल की थी, लेकिन इनका जो पुजारिन है इनका कहना है कि नहीं, मूर्तियाँ जो है वो अष्टधातु की थी। फिलहाल जो भी है हम गहराई से प्रकरण की छानबीन करा रहे हैं। बड़ा आक्रोश है, अरे का एक तो प्रकरण है, रात में डायल 100 की गाड़ी का लोकेशन वही रहा है, तो ऐसा नहीं है घटना हो गई है, कुछ लोग उसको तरंजित करके बताते भी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ पुलिस थी, रात में उसका लोकेशन है डायल 100 की गाड़ी का। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।